कि आपको लग रहा है कि आपके जो स्किन है वो पहले जैसा नहीं है। पहले आपके स्किन में एक चमक हुआ करता था, ग्लो हुआ करता था, जो आजकल नहीं दिख रहे हैं। डल हो गया है, टैन आ गए हैं, तो स्किन को क्या करना चाहिए ना? और इसके लिए ज़रूरत है स्किन की पॉलिश करना। देखो, आपके घर में जो किचन में बर्तन रहते हैं, बर्तन को अगर आप अच्छे से घिस कर नहीं वॉश करते हो तो उसमें भी एक ऊपर में एक लेयर आ जाते हैं। अगर आप वही पुराने वाले बर्तन को घिस कर वॉश करते हो तो वो जो पुराने वाले बर्तन है उसमें भी एक चमक आ जाएगा। अगर आप स्किन को केयर नहीं करते हो तो स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाते हैं, डेड सेल की लेयर आ जाते हैं, और उसके साथ साथ पोर्स जो है वो भी बंद हो जाते हैं, धूल मिट्टी से बंद हो जाते हैं, और टैन भी पड़ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो पहले आपको क्या करना है, स्किन को घिस कर जो डेड सेल है उसको रिमूव करना है, और उसके साथ साथ स्किन के जो ग्लो भाव है आपको रीजेनरेट करना है। तो इसके लिए होममेड एक जो स्क्रब वो बनाने की जो प्रोसेसिंग है वो मैं दिखा रही हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम श्रेयोशी, मैं इंटो डिजाइनर हूँ, बट मेरे चैनल में इंटो डेकोरेशन के साथ साथ स्किन केयर यानी कि ब्यूटी टिप्स के ऊपर भी आपको ढेर सारे जो ब्यूटी टिप्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको लगता है मेरे चैनल यूजफुल है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, और उसके साथ साथ बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिएगा मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। घर में इस बॉडी स्क्रबर को बनाने के लिए आपको लेना है बेसन। तो 3 चम्मच आप बेसन लीजिए, और 3 चम्मच बेसन के साथ आप मिक्स कीजिए 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। बेसन और कॉफ़ी पाउडर के साथ आप मिक्स करना है शुगर। तो 3 से 4 चम्मच तक आप शुगर लीजिए। इसमें थोड़ा रोज़ वाटर ऐड कीजिए। रोज़ वाटर के अलावा आप आरओ का वाटर भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। जो लम्स रहते हैं ना, वो जो बेसन में वो होना नहीं चाहिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसको लगा लीजिए हाथों पर, नेक पर और फेस पर, और थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। 15 मिनट्स तक आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और अच्छे से बॉडी पर इसको स्क्रब कीजिए। ये जो पैक में शेयर कर रही हूँ ये मेल और फीमेल सबके लिए ही है। तो इस तरह से 5 मिनट्स तक आप इसको अच्छे से घिसिए। जैसे आपकी फेस पर ज़्यादा नहीं आप स्क्रब कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्क्रब करना है हल्के हाथों से, और अब हाथों पर, नेक पर अच्छे से इसको स्क्रब कीजिए। 5 मिनट्स तक इसको स्क्रब करना है, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप धो लीजिए। शुगर जो है बॉडी स्क्रब के लिए एक अच्छा खासा इंग्रेडिएंट है। शुगर क्या करते हैं, आपकी स्किन में जो एक डेड सेल पड़ जाते हैं उसको अच्छे से रिमूव कर देते हैं, उसको अच्छे से उठा देते हैं, हटा देते हैं, और उसके साथ साथ स्किन में जो मॉइस्चर की बैलेंस होते हैं उसको लॉक कर देते हैं। और जो बेसन है, बेसन क्या करते हैं, बेसन खींच कर आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर से खींच कर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकल देते हैं। और यहाँ पर है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आपकी स्किन में जो ग्लोइंगनेस है उसको बरकरार रखने में आपको मदद करते हैं। और उसके साथ साथ एक फेस पैक आपको यूज़ करना है। हफ्ते में 4 डेज आप फेस पैक लगाइए। जैसे कि ये फेस पैक ओहायो नेचर्स की, ये है व्हाइटनिंग फेस पैक, ओहायो प्रोडक्ट की है व्हाइटनिंग फेस पैक। ओहायो प्रोडक्ट के जितने सारे प्रोडक्ट है मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। इसके बहुत सारे फेस पैक है, बट मैं इस फेस पैक को जो आपका जो टैन रिमूव है और ये जो डैमेज स्किन के लिए रिपेयर है, इसके लिए मैं इस प्रोडक्ट को ज़्यादा मैं आपको दिखा रही हूँ। फेस पैक है ये, इस तरह डस्ट फॉर्म में आते हैं, देखिए इस तरह डस्ट फॉर्म में आते हैं। और इसके ऊपर डिटेल्स जानकारी के साथ मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये जो वायो के प्रोडक्ट है इसको लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेस कीजिए, जैसे कि ग्लो फिट पे आपको मिल जाएगा। वायो ब्रांड की जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं आपको मिल जाएगा ग्लो फिट पर, क्योंकि वायो ब्रांड की जितने सारे प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, और मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ग्लो फिट का लिंक मैं डाल रही हूँ वीडियो के नीचे, मेरा जहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो ये जो फेस पैक है इसका डिटेल्स जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर जो कार्ड शो हो रहा है, एक कार्ड को आप ओपन कीजिए, क्लिक कर लीजिए, और इसके डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।